मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जज रहे जस्टिस चंद्रचूड़ अपने कई फैसलों के लिए याद किए जाते हैं। डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने ही पहले ऐसे CJI बनेंगे जिनके पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार पिता पुत्र की जोड़ी होगी जिन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश के महिमामय पद को ही शोभित किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं, लेकिन कानून और न्याय सशस्त्र को समझने का उनका अलग ही नज़रिया है और यही वजह है कि DY चंद्रचूड़ ने रिव्यू के लिए ही आई याचिकाकर्ताओं को और सुनवाई करते हुए दो बार अपने पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ के फैसलों को ही पलटा है। आपको बता दें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1976 के ADM जबलपुर केस में ही पूर्व चीफ जस्टिस और अपने पिता VY चंद्रचूड़ का फैसला पलट दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में कहा था कि निजता का अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा है और उन्होंने पूर्व ही CAI के फैसले को गंभीर रूप से गलत बताया, जिसे तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेलकर ही जस्टिस RK अग्रवाल और जस्टिस ASA नज़ीर का समर्थन भी मिला। और आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को ही हुआ था और उनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित इंकलैक्स स्कॉलरशिप की मदद से ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। हार्वर्ड में ही उन्होंने लॉ में मास्टर्स और न्यायिक विज्ञान में ही डॉक्टरेट पूरी की है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड लॉ स्कूल वेल लॉ और स्कूल दक्षिण अफ्रीका में लेक्चर भी दिए हैं। और आपको बता दें कि 29 मार्च 2000 को ही उन्हें बॉम्बे में ही अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और चीफ जस्टिस UU ललित के रिटायरमेंट के बाद ही जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग ने छापा मारा है। रायगढ़, कोरबा और रायपुर में ही और कारोबार से जुड़े लोगों के घर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही 50 लोगों की टीम राजधानी पहुंची थी। रायगढ़ में NR इस्पात के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर जांच की जा रही है। शहर के गजानंद नगर में कोयला कारोबारी राकेश शर्मा के घर भी कार्रवाई जारी है। रायपुर में लॉ विस्टा सोसाइटी में राम गोपाल अग्रवाल के घर टीम जांच कर रही है और रिंटू सिंह जय अम्बे ट्रांसपोर्टर के मालिक और जोगेंद्र के भाई के घर में भी टीम दस्तावेज खंगाल रही है। NR इस्पात के ही मालिक संजय अग्रवाल ने पिछले दिनों राज्य सरकार से 5,000 करोड़ रुपए का MU साइन कराया था और इसके साथ ही उन्होंने पिछले 2 साल में अपने प्लांट का एक्सटेंशन को 2,000 करोड़ रुपए की लागत से कराया था। इसके बाद से ही वो IT में RD के रडार पे थे और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें बड़े लेन देन को लेकर IT ने छापा मारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 40 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है और कैबिनेट द्वारा जो फैसले लिए गए हैं इसके अनुसार राज्य के विकास पर कई करोड़ रुपए कर्ज किए जाएंगे और ये खर्च जो है खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये खर्च राज्य के आधारभूत संरचना के विकास पर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने ही
759 पदों पर नियुक्ति का भी निर्णय लिया है। साथ ही विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन भी 25,000 से 30,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा शीतकालीन सत्र भी तारीखों पर भी बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार ने ही 7 विभागों को कई करोड़ विभाग आवश्यकता और निधि से ही देने का फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार ही कई करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग को दिए जाएंगे और इसके साथ ही कई करोड़ रुपये जो है वो उद्योग विभाग को भी दिए जाएंगे और 929.13 करोड़ रुपए पद निर्माण विभाग को दिए जाएंगे और 706.94 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को दिए जाएंगे, जबकि 274.77 करोड़ रुपए विज्ञान और उद्योगी विकास पर खर्च किए जाने हैं। नीतीश कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि विधायकों और विधान पार्षदों का जो वेतन है हर महीने 25,000 से 30,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल के सदस्यों के पेंशन भत्ता पेंशन नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अभी उन्हें वेतन भत्ता के रूप में प्रतिमाह 1 लाख से ऊपर राशि दी जाती है। कैबिनेट द्वारा राज्य के कई विभागों में ही 759 पदों पर ही नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है और बैठक में ये तय किया गया है कि बिहार में अलग अलग विभागों में ही नियुक्ति की जाएगी। सबसे ज़्यादा 534 पदों पर नियुक्ति योजना और विकास विभाग में की जाएगी। और आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का ही शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक चलेगा। कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। विधानमंडल के इस सत्र में ही विधानसभा में कुल 5 बैठकें होंगी और इस दौरान राज्य के कई विभागों के लिए बजट का प्रबंध किया जाना है। इसके अलावा दूसरे विधायी काम काज भी संपन्न कराए जाएंगे। भारत चीन और नेपाल में मंगलवार देर रात 1:57 पर ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल की अगर बात की जाए तो इनकी तीव्रता जो रही है 6.3 तक मापी गई है। और भारत में भी दिल्ली यूपी बिहार उत्तराखंड दिल्ली मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था और ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही की खबरें नेपाल से सामने आ रही हैं और यहाँ के दोती में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही बुधवार सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए और इन झटकों की तीव्रता 4.3 थी। भारत में नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास सबसे तेज 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और नेशनल सेंटर फॉर सिमोलॉजी के अनुसार भी भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर नेपाल में था। भारत में दिल्ली नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहां तक कि लखनऊ में भी झटकों के लोगों की नींद उड़ा दी और USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में दियायल से 21 किलोमीटर दूर था। यहां मंगलवार देर शाम को भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उनकी तीव्रता 3.5 थी और इससे पहले उत्तराखंड में रविवार शाम को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सीएम योगी श्री कृष्ण भगवान बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और सीएम योगी का मथुरा में दूसरा दिन दौरे का सांसद हेमा मालिनी का रास महोत्सव कार्यक्रम रद्द हुआ है। बताया जा रहा है कि मथुरा प्रशासन ने कोई तैयारियां नहीं की हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बरसात के मौसम में रास महोत्सव कार्यक्रम को लेकर बरसात के मौसम में श्रद्धालुओं के लिए काफी ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि वहां पर टेंट नहीं लगाए गए। खबर गाजीपुर से है जहां उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज मंत्री बनने के बाद जनपद के ही प्रथम दौरे पर थे और इस अवसर पर ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जिला अध्यक्ष गुलाम कादिर याहनी के साथ भी उनके आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यूपी तक से खास बातचीत में उन्होंने
खुलकर बातचीत की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं पर चर्चा की और उसे हितकारी बताया है। वहीं उन्होंने मदरसों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के जांच पर स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में कोई भी जांच नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि मदरसों की बेहतरी के लिए ही सर्वे जरूरी है और इसके साथ ही वो सर्वे चल रहा है और वो नियम अनुसार नहीं चल रहे मदरसों के लिए भी उन्होंने साफ किया है कि 11 बिंदु पर सर्वे और वो मदरसों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। तो आपको बता दें, दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर नगर निकाय चुनाव से अल्पसंख्यकों को मौका मिलेगा, ये उनका कहना है और मदरसों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। ये मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और योगी सरकार का स्पष्ट ये संदेश है, स्पष्ट मत है कि वक्फ की अवैध संपत्तियों पे से कब्जा हम हटाएंगे, चाहे जिसने भी कब्जा किया। आज हमने अपने कार्रवाई से स्पष्ट संकेत दे दिया है, संदेश दे दिया है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, अगर वो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, आम जनमानस के हित के साथ खिलवाड़ करेगा, तो योगी सरकार सख्ती से उसके साथ निपटेगी। स्पष्ट उदाहरण है, आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है। उतराव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर और अन्य जिलों में लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उनके निशानदेही पर चोरी के ही 3 ट्रक, 1 स्विफ्ट कार और 2 तमंचा, 5 कारतूस और 4 लोहे की रॉड पुलिस ने बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे द्वारा वाहन चोर गैंग गिरोह पर अंकुश लगाने हेतु दिए गए कड़े निर्देश पर मंगलवार उतराव थाना अध्यक्ष श्रवण कुमार, SOG प्रभारी राजेश उपाध्याय की टीम और इसके साथ ही विशेष टीम प्रभारी महावीर सिंह की टीम की ही मदद से थाना क्षेत्र उतराव हाईवे में 24 अक्टूबर 2022 को ही और 4 चक्कर ट्रक की हुई लूट की घटना पर सफल अनावरण करते हुए संतिप्त 5 लुटेरों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। थाना उतराव क्षेत्र में 24 अक्टूबर को एक ट्रक जो कि चंदौली में अनलोड करके कानपुर देहात जा रहा था, उसको बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से ओवरटेक करके रोका गया और रोकने के बाद ट्रक को अपने कब्जे में लेके वाहन का जो चालक और जो क्लीनर था उसको गाड़ी में बिठा कर ये लोग रायबरेली की तरफ ले जा रहे थे। रायबरेली प्रतापगढ़ बॉर्डर पे उसको उतारा और उतारने के बाद बदमाश ट्रक लेके फरार हो गए। तो इसी खबर पर प्रयागराज से संवाददाता रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, पुलिस ने लुटेरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, अभी की क्या अपडेट है? जी मैडम, अपडेट ये है कि ये गिरोह बहुत दिनों से नेशनल हाईवे पे सक्रिय था, जो लूट की घटना को अंजाम देता था। 24 अक्टूबर को एक ट्रक लूट हुई थी जिसमें उतराव पुलिस ने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस और SOG टीम को SP गंगापार के माध्यम से लगाई गई थी, जिसमें उतराव पुलिस और SOG की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, जिसको प्रतापगढ़ का ये एक बहुत बड़ा गैंग जो हाईवे पर लूट की घटना को, वाहन लूट की घटना को अंजाम देते थे, और SOG और उतराव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूट की घटना में ये स्विफ्ट डिजायर कार जिससे ये लूट की घटना को अंजाम देते थे वो और लूटी हुई ट्रक को बरामद किया गया है उतराव पुलिस और SOG की टीम के द्वारा। बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेजा गया, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। रणविजय, जिस तरह से पता चल रहा है कि लुटेरे हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, तो ये किस तरह से सामने आ पाया कोई मामला कि किस तरह से ये गुमराह किया करते थे लोगों को? जी, ये लोग करते क्या थे कि स्विफ्ट डिजायर कार से ओवरटेक करते थे, ओवरटेक में गाड़ियां नहीं रुकती थी, ट्रक के माध्यम से आगे पीछे 2 ट्रकों को लगा करके गाड़ियों को रोककर उसी लूट घटना को अंजाम देते थे। पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर बड़ा गैंग का पर्दाफाश किया गया है।
जी, पुलिस प्रशासन किस तरह से इसमें कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? रणविजय, 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और मामले का पर्दाफाश करते हुए के लिए दबिश दी जा रही है। जी रणविजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फरुखाबाद में कायगंज के पास ही गांव दमदबा में समीप लुटेरे बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने महिला की चेन लूटी है और गंगा स्नान कर लौट रही थी महिला, ऐसी जानकारी सामने आई है। और समय लुटेरे ने ही महिला की चेन तोड़ दी और उसे लेकर फरार हो गए। बता दें कि थाना पुलिस की उदासीनता को चलते ही लुटेरे आए और किसी दिन भी ऐसी घटना को अंजाम रोजाना देते रहते हैं। और सूचना की काफी देर बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस लुटेरे की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता दें, फरुखाबाद से खबर है जहां पर महिला की चेन लूटी गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले महिला की चेन को तोड़ा है, उसके बाद वहां से चेन लेकर मौके से फरार हो गए हैं। और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन मौके पर देर से पहुंची थी और जिसके बाद अब आरोपियों की जो तलाश है वो पुलिस प्रशासन लगातार कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता आदेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, बेखौफ नजर आ रहे हैं लुटेरे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है दिनदहाड़े सुबह सवेरे की है, जब महिला एक गंगा स्नान करके अपने बेटे के साथ कायमगंज जा रही वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव दमदमा के पास कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में लुटेरों ने बाइक को अटैक किया। अटैक करने के बाद महिला बाइक को धक्का मारा, धक्का मारने के बाद बाइक नीचे रोड पर गिर गई। उस समय महिला के गले में पड़ी सोने की चैन लुटेरे लेकर फरार हो गए। महिला के चिल्लाने पर लोग वहां तमाशा बने रहे। काफी वो पुलिस को सूचना देने के काफी देर बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे क्षेत्र में दहशत मची हुई है। लुटेरों का हौसला लगातार बुलंद है। इस तरीके से लूट की घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया, उस तरीके से मालूम पड़ रहा है कि लुटेरों गएंगे कायमगंज कोतवाली पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। जी आदेश, कुछ साफ हो पाया है कितने लोग वहां पर मौजूद थे लूट करने के लिए, कितने लोग आए हुए थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, महिला बाइक से गंगा स्नान कर वापस जा रही थी, उसी समय दो लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश और घटना को अंजाम देकर महिला की चैन, सोने की चैन पड़ी गले में चैन को तोड़कर लुटेरे मौके से आराम से फरार हो गए हैं। जी आदेश, मतलब वहां पर पहले भी ऐसी लूट की वारदात हो चुकी है, पहले भी खबर हमारे सामने आ चुकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आए दिन लुटेरे घटनाओं को अंजाम देते हैं, किसी न किसी दिन जैसे ही आज इस घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया, वैसे ही आए दिन थाना क्षेत्र में घटनाएं होती रहती हैं। जिस तरीके से लुटेरे का लगातार हौसले बुलंद है, थाना पुलिस पर लगातार लापरवाही के आरोप लगते जा रहे हैं। पुलिस कई लुटेरों को आगे बेबस नजर आ रही है। जी हेलो आदेश, महिला का क्या कुछ कहना है, जो पीड़ित महिला है उसने कुछ बयानबाजी की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महिला का कहना है साफ तौर पर, जिस तरीके से मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को मौके पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन पुलिस घटना होने के काफी देर बाद मौके पर पहुंची है। तो महिला ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि इस तरह से महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जैसे जैसे लुटेरे घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी, और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रही है आदेश? देखिए, मैं बता दूं कि सूचना मिलने के काफी लेट पहुंची थाना पुलिस, जो है लुटेरों की तलाश में जुट गई है। अब देखना होगा कि ये नाकाम पुलिस कब तक जो है लुटेरों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चले रुककर अगली खबर की ओर। बाराबंकी में मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे थाना मोहम्मद पुरखाला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककरहा स्थित सलारपुर घाट पर शिवली नदी में व्यक्तियों को ला रही नाव अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 3 बच्चों रितु पुत्री और जयकरण उम्र 18 साल और इसके साथ ही प्रियंका पुत्री राम प्रवेश उम्र 5 साल और हिमांशु पुत्र छोटू उम्र
8 साल निवासी ग्राम सालपुर थाना मोहम्मदपुर खाला बाराबंकी की मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि मौके पर बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल राहत बचाव कार्य किया गया है। मृतकों के परिवार को आपदा की घड़ी में सहायता के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि राज्य आपदा निधि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो बाराबंकी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नदी में नाव अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण ये बड़ा दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। 3 बच्चों की इस हादसे में मौत बताई जा रही है और राहत बचाव कार्य जो लगातार है वो जारी है। आपको बता दें कि बाराबंकी की ये खबर है जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बचाव कार्य किया जा रहा है। लोग पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नदी में ही नाव डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि बचाव राहत कार्य जो किया गया, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 लाख रुपए धनराशि राज्य आपदा निधि के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। मृतकों के परिजनों को ये 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें आपको कि इसमें 3 बच्चों की मौत बताई जा रही है और ये घटना जो है मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र अंतर्गत ही ग्राम ककरहा में मौजूद सलारपुर घाट की शिवली नदी की बताई जा रही है, जहां पर व्यक्तियों को ला रही नाव अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें 3 बच्चों की, जिसका नाम, एक लड़की का नाम है जिसका नाम रितु बताया जा रहा है और जयकरण उम्र उसकी 18 साल बताई जा रही है, प्रियंका पुत्री है, राम परवेश उम्र 5 साल बताई जा रही है, हिमांशु पुत्र छोटू उम्र 8 साल बताई जा रही है और ये सब निवासी जो है वो ग्राम सालपुर थाना मोहम्मदपुर के ही खाला बाराबंकी की हैं और ऐसी जानकारी सामने आई है। मौके पर बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल राहत बचाव कार्य किया गया और मृतकों के परिवार को ही आपदा की घड़ी में सहायता के लिए 4 लाख रुपये की धनराशि राज्य आपदा निधि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। खबर गाजीपुर से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी धावा शरीफ के ही दरगाह पर मनाया जा रहा उर्स, जिसको लेकर एक सेमिनार भी रखा गया था। आपको बता दें कि यहां पर काफ़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यहां पर लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं और अपनी सेहत के लिए भी जफर इकबाल साहब के दरवाजे से चादर निकलकर मज़ार पर जाएगी और वहाँ पर दुआ खानी होगी। आपको बता दें कि हमारे देश में अमनो चमन बना रहे और इसको लेकर ही हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े। गंगा जमुने तहजीब का सदियों से ही परंपरा चली आ रही है और नातिया कलाम भी पेश किया जाएगा और वहीं पर मौजूद थे डॉक्टर सैयद सरवर इमाम और मौलाना कारी साहब सदाम परवेज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।